हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर विकास बघेल और आज मैं आपको बताऊंगा कालपोल 500 टैबलेट के बारे में। दोस्तों, जो कालपोल 500 टैबलेट है उसके अंदर पैरास्टामोल साल्ट पाया जाता है। पैरास्टामोल टैबलेट के बारे में तो आप जानते होंगे, एक ऐसी दवा जो कि दर्द और बुखार दोनों को ठीक करने में मदद करती है। आज मैं आपको इस टैबलेट के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार की पैकिंग के अंदर आती है। हर एक स्ट्रिप के अंदर लगभग 15 टैबलेट होती हैं और 15 टैबलेट का जो प्राइस होता है वो मात्र 15 रुपए के आसपास है, 14.95। ये 15 टैबलेट के होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 रुपए से कम के अंदर एक टैबलेट ये आपको मिल जाती है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है बुखार और दर्द की समस्या को ठीक करने के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा पैरास्टामोल बुखार और दर्द के अलावा क्या क्या काम करती है, क्या इसके फायदे होते हैं, क्या नुकसान होता है, किन लोगों को इसे खाना चाहिए, किन लोगों को इसे नहीं खाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले जानते हैं पैरास्टामोल का यूज कहां पर किया जाता है। तो दोस्तों, जो पैरास्टामोल होता है अक्सर यूज किया जाता है एंटीपायरेटिक, यानी कि बुखार की जो कंडीशन बन जाती है बुखार को उतारने के लिए। इसके साथ साथ यह शरीर के दर्द को ठीक करने में भी मदद करता है। शरीर का दर्द, बदन दर्द, कमर दर्द, सिर में दर्द हो जाना, इन समस्या को ठीक करने में भी यह मदद करता है। हाथ पैरों के दर्द को ठीक करने में भी ये काफी ज्यादा मदद करता है। इसके अलावा अगर किसी के दांतों में दर्द होता है तो उसको भी ये काफी हद तक ठीक कर देता है। सिर के दर्द के साथ साथ माइग्रेन की समस्या में भी ये काफी अच्छा रिजल्ट दिखाता है। माइग्रेन के दर्द को जल्दी से जल्दी ठीक करने में मदद करता है। फीमेल्स को पीरियड्स के दौरान काफी ज्यादा पेन होता है, अगर वो पेन बहुत ज्यादा बढ़ता जाए तो आप पैरास्टामोल टैबलेट या मेफर्सपास टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि उनके लिए सेफ रहता है, जिससे कि दर्द में आराम मिल जाता है। ऐसा कहके हम कह सकते हैं कि दोस्तों, पैरास्टामोल के काफी सारे यूज हैं और काफी तरीके से हमारे शरीर के अंदर यह दर्द की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। कालपोल टैबलेट जो कि 500 mg में आती है, पैरास्टामोल जिसका साल्ट होता है, इसका मेनली काम होता है जो दर्द के जो मैसेंजर्स होते हैं उनको यह स्टॉप कर देता है, जिससे कि शरीर के अंदर दर्द नहीं हो पाता, दर्द की जो गति होती है वो कम हो जाती है, और अगर बुखार के सिम्टम्स आते हैं तो बुखार को भी ये जल्दी से जल्दी ठीक कर देता है। तो एक सिंपल सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि जो दर्द और बुखार की टैबलेट इसे माना जाता है। जानते हैं दोस्तों इसके कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में। वैसे तो दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैरास्टामोल का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन पैरास्टामोल एक एलोपैथी दवा है, इसके भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को इस टैबलेट को लेने के बाद बॉडी पर रैशेज पड़ सकते हैं, निशान आ सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, शरीर के अंदर हेडेक हो सकता है, ज़्यादा तेज भी हेडेक हो सकता है। इसके अलावा किसी किसी को उल्टी का सा जी मिचलाना या फिर उल्टी हो जाना, ऐसे इसके को साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कभी कभार लोगों को पेट दर्द की शिकायत भी देखी जा सकती है। तो ये इसके को साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट हालांकि आधे घंटे से लेकर 2 घंटे के बीच में अपने आप ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अगर ये ख़त्म ना हो तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जानते हैं इस टैबलेट का इस्तेमाल किन लोगों को करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए। सबसे पहले छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे 4-5 साल के हैं, उनके लिए आप इसे टैबलेट फॉर्म में ना देके सिरप के फॉर्मेट में दे सकते हैं। इसके अलावा जो 18 साल से ऊपर के जो भी इंसान है वो इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकता है। अगर किसी को काफ़ी ज़्यादा लिवर की समस्या है, किसी का लिवर बहुत ज़्यादा खराब हो गया है या किडनी खराब हो गई है, उस कंडीशन में डॉक्टर की सलाह पर इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाना चाहिए। प्रेगनेंसी में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन प्रेगनेंसी में हमेशा गायनेकोलॉजिस्ट जो फीमेल डॉक्टर होती है उनसे पूछ कर ही इस टैबलेट का इस्तेमाल होना चाहिए। लैक्टेटिंग वुमेन जो होती हैं, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, उन महिलाओं को भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इस तरीके से दोस्तों आप समझ गए होंगे इस टैबलेट के बारे में। जानते हैं इसके डोज के बारे में। दोस्तों, इसकी डोज बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है। जिनका भी वजन 50 किलो से ऊपर है और जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, उन लोगों के लिए इसे TDS फॉर्मेट में दिया जाता है। TDS का मतलब है दिन में इसे 3 बार, एक गोली सुबह, एक गोली दोपहर को, एक गोली शाम को दी जानी चाहिए। इसके अलावा बच्चों की डोज अलग तरीके से डिसाइड की जाती है, तो आप बच्चों के डॉक्टर से उसकी सलाह ले सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपको इस दवा के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।